भाई कॉपर। गाइस गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मुझे एक हैप्पी न्यूज़ भी मिली यार। ये देखो यार, ये है दोस्तों हैप्पी न्यूज़। वाव यार, हमारे सूर्य फूल मतलब हमारे जो सनफ्लावर फूल है उसको फाइनली एक फूल आ ही गया, और जो सबसे बड़ा वाला था तो मुझे वही लगा था कि उसको ही पहले आ गया, बट ये देखो यार अभी तक उसको फूल नहीं आया है और इसे भी थोड़ा थोड़ा आने लगा है। मेरे लिए ना दोस्तों यार बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैप्पी न्यूज़ है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यार सूर्यफूल का प्लांट लगाया और वो सक्सेसफुली ग्रो भी कर गया और उसे भी फूल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। और हमारा जो कॉर्न का प्लांट है वो देखा जाए तो यार, ये देखो यार उसके भी कॉर्न अभी थोड़े बड़े हो गए हैं। अभी इसमें जब दाने बीने भर जाएंगे ना, अभी इसका मुझे इतना पता नहीं है, बट मेरा एक दोस्त है ध्रुव, उसको सारा कुछ पता है, ध्रुव ही हमें अभी सारा बताएगा। अभी इसमें जब दाना भरेंगे ना उसको पता चल जाएगा, हम तब इसको निकाल लेंगे। यार दोस्तों आप मुझे एक सजेस्ट करना यार हमारे रैबिट्स के केज को लेकर, ठीक है यार। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ना कि ऊपर मैं फिंचेस का कर दूँ, क्योंकि ना दोस्तों रैबिट्स तो नीचे रहते हैं यार और ऊपर का जो केज है ये तो पूरा खाली रहता है यार, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जो ज़ेब्रा फिंच होती है ना तो मैं हमारे रैबिट्स के केज के अंदर ऐड करूँ, मतलब ये ऊपर रहेगी, ठीक है ना। ऊपर हम पूरे मटकियाँ वगैरह लगाएंगे, पूरा मतलब अच्छा सा सेटअप प्रॉपर करेंगे इनके लिए। और हमारे जो रैबिट्स है यार ये बहुत ही ज़्यादा शांत है, इनके लिए फूड लेने के लिए गया रैबिट्स को, ये सारे हमारे रैबिट्स बाहर निकल गए कि चलो भाई आ जाओ, इनका ये फूड है, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये थोड़ा थोड़ा ही दे दो दोस्तों में, मतलब दोपहर में सुबह मॉर्निंग में जैसे मैं हम टैबलेट्स लेते ना वैसे मैं इनको देता हूँ। ये देखो भाई ये बहुत मज़े से खाते, खा लो खा लो खा लो खा लो। अरे भाई 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 आराम से, अभी मैं दोपहर में भी दूंगा, अभी इनको है ना दोस्तों 10-15 मिनट में मैं इनकी घास दे दूंगा। दोस्तों कल हमने हमारे सेटअप में गोल्डन फिशेस ऐड की थी, ठीक है, और मुझे एक गोल्ड फिश की यार बिल्कुल भी गारंटी नहीं थी, जो कि ये वाली है। ये देखो यार दोस्तों, मैंने इसे सेपरेट ही रखा था क्योंकि यार इसके ऊपर ना मुझे रेड वाले स्पॉट दिख रहे थे, ठीक है, तो यार मुझे लग रहा था कि इसे कोई डिसीज वगैरह होगा, तो इसी की वजह से मैंने इसे सेपरेट रखा था। बट अभी हम इसे सेपरेट ही रखने वाले क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलो यार दोस्तों अभी मैं इसे फीड कर देता हूँ। तो दोस्तों जो ड्राई ब्लड वर्म होते हैं ना तो मैं हमारे गोल्डन फिशेस को दे रहा हूँ, चलो यार ये कैसे खाती है देखते यार, फीड लेती भी है या नहीं। चलो भाई हेलो हेलो हेलो, मुझे ये वाली गोल्ड फिश दोस्तों इतनी ज्यादा पसंद आई यार, क्या ही बताओ। वाह यार ये तो खा रही यार, वाह 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 भाई, मतलब ये एक्टिव है जबरदस्त। ये देखो यार ये फीडिंग भी ले रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं यार इसे। यार क्या बताओ दोस्तों, मुझे यही टेंशन था यार हमारी गोल्डन फिश मतलब बचेगी या नहीं, ठीक है ना, बट बच गई यार दोस्तों। दोस्तों आज मैं हमारे रस्ती और सिम्बा का ब्रश करने वाला हूँ, मतलब हफ्ते में इनका मैं 3 बार ब्रश करता ही करता हूँ। दोस्तों इनका जो ब्रश होता है यार ये बड़ा ही क्यूट होता है ना ध्रुव। बोला चल सिम्बा आ जा आ जा, चल चल भाई चल चल, तेरी क्लीनिंग भी कर दी, चल जल्दी यार। क्या कर रहा है सिम्बा, खाकर यार ऐसे बैठ जाता है यार ये। तो दोस्तों हमारे रस्टी और सिम्बा की क्लीनिंग तो हो गई, तो आज हमारा एक पार्सल आया हुआ है जो कि मैंने बहुत दिनों से ऑर्डर करके रखा था यार, ठीक है, जो कि है दोस्तों ये वाला पार्सल। ये देखो यार ढेर सारी मटकियाँ, ये टोटल है ना दोस्तों 114 मटकियाँ है, ठीक है 140, ओके। तो ये मैंने हमारे गप्पी सेटअप के लिए मंगवाई है, आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों। तो चलो यार इनको सबसे पहले हम अच्छे से धो लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, फिर मैं हमारे गप्पी सेटअप में ये ऐड करूंगा। अभी ना दोस्तों हम ये सारी मटकियाँ अच्छे पानी में डाल रहे हैं, अभी पानी का आप कलर देख सकते हो, थोड़ी देर में पूरा का पूरा पानी रेड होने वाला है। हमारे रस्टी और सिम्बा की तो क्लीनिंग हो गई, अभी हमारे ध्रुव भाई की क्लीनिंग चल रही है। तो ये बहुत मेहनत वाला काम था यार, हमने इनको अच्छे से क्लीन कर लिया और धूप में सुखाने के लिए रख दिया, और पानी की हाल देख सकते हो पूरा रेड पानी हो गया। तो अभी ध्रुव इनको काउंट कर रहा है, और 10 मिनट्स हम इनको ऐसे ही रख देंगे दोस्तों। 10 मिनट्स के बाद ये अच्छे से सूखने के बाद हम हमारे गप्पी सेटअप में इनको ऐड करेंगे। दोस्तों इनको अभी 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम सारे मटके उठा कर ले जा रहे हैं हमारे फिश रूम में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे मटकियाँ ऐड की थी, ठीक है, और प्लांट्स भी ऐड किए थे, और यहाँ पे देख सकते हो हमारी गप्पी फिश यहाँ पे प्रॉपर रह भी रही है और यहाँ पे ब्रीड भी हो रही है यार। ये देखो आपको मैं बच्चे भी दिखाता हूँ, ये देखो यार ये हमारे ब्लैक मेटालिक के बच्चे हैं दोस्तों। और कहाँ हुए थे ध्रुव यार, यहाँ पे ही थे ना, हाँ ये देखो यार
यहाँ पे हमारे मोजाइक के बच्चे थे, यहाँ तो फिलहाल मैंने मटकियाँ ऐड नहीं की थी और यहाँ पे थोड़ी ही मटकियाँ थी, बट यहाँ पे भी बच्चे हुए हैं। ये देखो भाई आपको भगते हुए नजर आ रहे होंगे। तो चलो दोस्तों मैं अभी हमारे सारे गप्पी सेटअप में मटकियाँ ऐड कर देता हूँ। एक मिनट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हमारे प्लांट्स भी आने वाले हैं यार एक दो दिनों के बाद। मतलब वो अंकल बोले कि मैं सारे प्लांट्स वगैरह रेडी करके दूंगा और फिर थोड़े दिन लगेंगे यार, मतलब 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे उनको। फिर सुन मेरी बात, ये जो मटकी है ना ये थोड़ा आगे ऐड करते, मतलब हमें पीछे प्लांट्स लगाने हैं। ये देख, ये यहाँ पे ना दोस्तों हमने क्या किया था, आगे हमने मटकियाँ रखी है और पीछे हमने ये प्लांट रखा है, मतलब प्लांट रखने के लिए भी जगह हो जाती है और उसको फैलने में भी जगह हो जाती है, ठीक है ना। तो वैसे तो हमने यहाँ पे मिडल में प्लांट रखा है, पर मिडल में प्लांट रखने से इतनी मजा नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे एक मिट्टी की प्लेट भी आने वाली दोस्तों, क्योंकि हम इनको जब खाना डालेंगे ना वो सारा खाना वो मिट्टी की प्लेट में गिरने वाला है ना, नीचे नहीं गिरेगा है, ठीक है, मतलब हमारा पानी भी गंदा नहीं होने वाला है। मैं अभी जल्दी जल्दी सेटअप कर देता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। दोस्तों मैंने हमारे सारे सेटअप में मटकियाँ ऐड कर दी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार हमारा गप्पी सेटअप। अभी यहाँ पे भी ऐड कर दी पूरे के पूरे सेटअप में हमने ऐड कर दिया भाई अभी मटके, ठीक है दोस्तों। और सिर्फ ये वाला पॉन्ड रह गया हमारा, क्योंकि हमें 10 मटकियाँ कम पड़ गई, टोटल हमें 150 चाहिए थी यार, 10 कम पड़ गई यार, पता नहीं अभी। चलो कोई नहीं, मैं अभी लेके आऊंगा, मतलब अंकल को बोल दूंगा हमें 10 और चाहिए। और दोस्तों हमने मटकियाँ ऐसे सेट की भाई यहाँ पे, मतलब हम यहाँ पे आराम से पीछे प्लांट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये देखो पानी अभी थोड़ा ब्लर हो चुका है दोस्तों, ये देखो भाई। और ये हमने ना रिवर फिश के, मतलब रिवर फिशिंग के लिए हम गए थे तो वहाँ से ये वाले प्लांट्स लेके आ गए थे, ठीक है। ये तो यहाँ पे अच्छे से फल फूल रहे थे, बट अभी इनको अचानक से क्या हो गया यार, ये देखो नीचे पूरा ब्राउन ब्राउन होने लगे दोस्तों, ठीक है। सिर्फ ये वाला ऐसा है कि भाई ये अच्छे से ग्रो हो रहा है, मतलब इसको पत्ते भी न्यू आए है, ये देखो भाई न्यू पत्ते भी निकलना स्टार्ट हो गए इसको, बाकी को भी न्यू पत्ते आ गए, बट ये ब्राउन क्यों हो रहा है यार पता नहीं चल रहा है यार हमें। और ये वाले भी प्लांट हमने लाए थे जो कि यहाँ पे भी, ये देखो यार ये भी अच्छे से ये फैल रहे। हमारे जब न्यू प्लांट आ जाएंगे ना दोस्तों, तब हम रिवर वाले जो प्लांट है ऊपर वगैरह शिफ्ट कर देंगे हमारे वाटर कैबेज के साथ। स्नेल के अंडों का क्या अपडेट है? तो अभी तक कुछ अपडेट नहीं यार, अभी तक इनके बच्चे हैच नहीं हुए हैं। पानी तो मैं और भर देता हूँ, पानी थोड़ा कम हो गया दोस्तों, 2 दिन में इतना मैं पानी फिर से फिलअप कर दूंगा यहाँ। और दोस्तों हमारे एलिगेटर गार को तो मैं हर रोज ढक के रखता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको भी खोल देता हूँ। कॉपर, हेलो कॉपर, कॉपर गुड आफ्टरनून भाई, कैसा है तू? ये देखो भाई, तो आपको पता है हमारे एलिगेटर गार के पॉन्ड में जो मॉस्किटो लार्वे होते हैं ना वो भी तैयार होते हैं, ठीक है। तो यार मैंने इनके लिए सोचा है, मतलब मैंने पहले भी ऐड कर रखे थे गप्पी फिश, जब ये ऊपर था तो वहां पे भी मैंने गप्पी फिश ऐड करके रखी थी, ठीक है। तो आज हम इसके पॉन्ड में ऐड करने वाले है गप्पी फिशेज, क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटोज वगैरह ना फैले यार, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली है हमारी स्नेक गप्पी जो कि हमारे एलिगेटर गार के पॉन्ड में जाने वाली है। तो चलो यार मैं इनको अभी जल्दी जल्दी छोड़ देता हूँ। जाओ भाई जाओ 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 जाओ, ये गई दोस्तों हमारे एलिगेटर गार के पॉन्ड में। और दोस्तों ये इतनी छोटी है, हमारा एलिगेटर गार मतलब हमारा जो कॉपर है इनको बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको पहले भी ट्राई कर चुका हूं। और दोस्तों हमारे जो जागवार गप्पी जो मैंने छोड़ी ना, मतलब जागवार स्नेक हमारे यार बहुत नाम है यार इनके, तो ये जो मैंने छोड़ी ना ये बहुत जल्द यहां पे ब्रीड भी कर देंगे यार, ठीक है। भाई कॉपर तेरे पॉन्ड में मैंने अभी कुछ गप्पीज भी ऐड कर दी, ठीक है, मतलब यहाँ पे मॉस्किटो लार्वे नहीं होंगे, तू तो नहीं उनको खा सकेगा यार। दोस्तों हमारा एक और पार्सल आ गया जो कि ये देख सकते हो भाई, इसमें है हमारे बजीज, कॉकटेल, पिजन्स, रैबिट्स, उनका सारा फूड, ठीक है, इतना बड़ा लगता है भाई उनको, ठीक है ना, हर हफ्ते हम ये मंगवाते ही है। ध्रुव चल अभी क्या करते हैं ना, हम हमारे सारे डब्बे भर देते हैं। पता है यार दोस्तों आपको, हमारे कैट्स का भी खाना फूल है, मतलब कैट्स की जो फिश की एसेसरीज उनका खाना सारा कुछ है हमारे पास, सिर्फ पिजन का नहीं था यार कल से, तो इनको मैं घर से ही दे रहा था, ठीक है, अभी घर वालों भी बोलने लगे थे तो चलो यार मैंने ये मंगवा लिया। तो चलो ध्रुव अपन जल्दी जल्दी इनको अभी हमारे डब्बों में भर देते हैं। तो दोस्तों हमारे पिजन्स का अभी खाना भी फुल भर गया, बजेज का हो गया, हमारे पिजन्स का हो गया। ये कुछ अलग दाना है यार, ठीक है, हमने ये अलग दाना इनको ट्राई करने का सोचा, मतलब मैं देता ही रहता हूँ इनको दाना, में चेंज करते ही रहता हूँ, एक दाना पे नहीं रखता भाई इनको मैं हर बार, मतलब हर हफ्ते इनको दाना चेंज करते रहता हूँ, 3-4 वैरायटी का मैं इनको दाना खिलाते रहता हूँ। तो दोस्तों कल हमारे सेटअप में एक न्यू पेट फिश ऐड होने जा रही है, वो तो मेरी फेवरेट फिश है यार, तो मैंने वो अंकल को बुक करके रखी है और हमें कल तक वो रिसीव हो जाएगी, तो उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो यार दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना।